हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी प्रेगनेंसी की कुछ हेल्दी स्नैक्स रेसिपीज, जिसमें सबसे पहले ये हम बनाएंगे मूंग दाल भल्ले। इसके लिए आपको पीली मूंग को भिगा के रखना है पूरी रात, और इमली की चटनी प्रिपेयर करेंगे। इसमें आप इमली को उबाल के उसके पानी के साथ गुड़ मिला के उसको पकाना है। बस 10 मिनट इमली की चटनी बन जाएगी। तो साथ में जो दाल हमने भिगोई थी उसको पीस के फिर उसके हम भल्ले तैयार करेंगे। उसको अच्छे से फेंटना है जिससे कि भल्ले सॉफ्ट बनते हैं। तो ये भल्ले रेडी हो जाएंगे, तो बस इनको थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे हम। तो उड़द दाल के भल्ले अगर आप खाते हो थोड़े हैवी हो जाते हैं और नुकसान करते हैं, पर ये मूंग दाल के भल्ले बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। अब देखिए, जब ये भल्ले तैयार हो जाते हैं फिर हम इसको गर्म पानी में डाल देंगे, तो इसका सारा ऑयल भी काफ़ी हद तक निचड़ जाएगा, तो इस वजह से ये और हेल्दी बन जाता है। तो बस गर्म पानी में 10 से 15 मिनट इसको सोक करके रखना है। और अब हमारे मूंग दाल भल्ले तैयार है, और इसमें हम रेड वाली जो चटनी बनाई थी वो डाल देंगे, और ग्रीन चटनी कोई भी आपको जो पसंद है वो बना के आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। जो जीरा है उसको पीस के इस पर हम डाल देंगे। तो ये देखिए कितने टेस्टी स्नैक है। बाहर के स्नैक खाने से अच्छा घर पे ऐसे स्नैक बनाइए जिनसे आपको कुछ गुण मिले। इसमें मूंग दाल के गुण तो आपको मिल ही जाएंगे भरपूर। अब नेक्स्ट रेसिपी मैं बता रही हूँ, ये ओट्स की। ये मैंने ओट्स को भिगोया 10 मिनट। जो ओट्स होते हैं इनको भिगो के रख दें, क्योंकि अगर आपको मीठे ओट्स नहीं पसंद है तो ओट्स इस फॉर्म में खाइए। बहुत ही प्रोटीन रहता है, फाइबर रहता है इसमें, बहुत हेल्दी है ओट्स, जैसा कि आपको पता होगा। तो बस इसको मिक्स कर देंगे पानी डाल के। अब इसमें थोड़ा सा हम बेसन मिला देंगे, 1 या 2 चम्मच, जो हमने ओट्स को भिगोया था। अपने हिसाब से आप भिगो सकते हैं, तो बेसन डाल के इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। और साथ में मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी, प्याज ऐड कर दूंगी, और कोई भी सब्जी आप डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। इसमें सब्जियाँ डालने से इसका न्यूट्रिशन वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगा और टेस्ट भी बढ़ेगा। लास्ट में आप हरी मिर्च भी कट करके डाल दीजिए। इतने स्वादिष्ट बनते हैं ओट्स के चीले, और ना इनसे कोई फालतू वेट बढ़ता है और ना ही इनसे कोई नुकसान होता है गर्भावस्था में। उल्टा इससे इतना ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलने वाला है ओट्स के चीले खा के, क्योंकि फुल इसमें प्रोटीन फाइबर इतनी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखते हैं ओट्स। फालतू जो बैड फैट होता है उसको बढ़ने नहीं देते, तो आप हेल्दी रहते हो अगर आप ओट्स प्रेगनेंसी में खाओगे। तो किसी भी फॉर्म में खाइए। तो ये देखिए पेस्ट मैंने बना दिया सारी सब्जियां डाल के। फिर इसमें नमक ऐड कर देंगे, हल्की सी हल्दी और धनिया पाउडर, गरम मसाला ऐड नहीं करेंगे। और ऑयल ही मैंने थोड़ा सा लगाया, आप थोड़ा ज़्यादा भी लगा सकते हैं, तो वो आपका टेस्ट पे डिपेंड करता है, पर ये कम ऑयल में भी अच्छा पक जाता है, तो फिर और हेल्दी बन जाता है। तो ये देखिए बस पेस्ट को फैला दीजिए, उसके बाद ये 5 मिनट में पक के रेडी हो जाएगा। अब जब ये देखिए, पहले ये वाइट था, अब ये येलो कलर इसका दिखने जो लगा, यानी कि पक चुका है। फिर इसको हम पलट देंगे जब ये पूरा कलर इसका चेंज हो जाएगा। तो आराम से पलटना है, टूट भी जाता है, थोड़े सॉफ्ट होते हैं, डेलिकेट होते हैं। तो बस दोनों तरफ से पका लीजिए, और कोई भी आपकी फेवरेट चटनी के साथ आप इसको एंजॉय कीजिए। बहुत ही डिलीशियस स्नैक होता है सच में, और हेल्दी भी है। तो प्रेगनेंसी में आपको बिस्किट, नमकीन या बाहर की समोसे, ये सारी चीज़ें खाने से बेटर है कि आप घर में ऐसी चीज़ें बना के खाइए, ताकि आपका बच्चा जो है स्वस्थ हो। एक माँ की हेल्थ पर डिपेंड करते हैं बच्चे की हेल्थ। जैसा आप खाओगे वैसे ही आपका बेबी होगा। तो साथ में आप साबूदाना की खिचड़ी भी बना सकते हैं कभी आपका मन हो। ये भी हेल्दी स्नैक है प्रेगनेंसी में, तो बहुत इजी होती है साबूदाना की खिचड़ी बनाना, और साथ में न्यूट्रिशियस भी होती है। या फिर आप पोहा बना लीजिए सिंपल। तो ये थी मेरी हेल्दी रेसिपीज, आई होप आपको पसंद आई। प्रेगनेंसी में हमेशा हेल्दी खाइए, तो आपको हेल्दी बच्चा ज़रूर होगा।